इस लेसन में हम एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रल I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाय 2। ये लिमिट है साइन ऑफ x dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x इनटू 2 प्लस cos x इनटू dx। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें सपोजिशन मेथड यूज करेंगे। हम करते हैं कि लेट t इज इक्वल टू, t को सपोज कर लेते हैं कि वो cos x के इक्वल है, तो dt किसके इक्वल होगा, dt इक्वल होगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। राइट, देखें यहां पे हमारे पास सिर्फ साइन एक्स डी एक्स है, लेकिन यहां पे हमारे पास माइनस साइन एक्स डी एक्स आ गया, तो हम इसको माइनस डी टी कर देते हैं, यानी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड्स को माइनस से, तो हमारे पास ये आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स। अब क्वेश्चन में जहां हमारे पास साइन एक्स डी एक्स है वहां हम माइनस डी टी लिखेंगे, लेकिन देखें यहां हमने सपोजिशन मेथड यूज किया, हमने इसको सपोज किया, तो ये लिमिट भी इसकी चेंज हो जाएगी। और लिमिट कैसे होगी, देखें पहले मैं कहूंगी कि लोअर लिमिट से स्टार्ट करते हैं। इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो तो इसमें टी इक्वल टू, तो टी की क्या वैल्यू होगी, ये कॉस ऑफ जीरो हो जाएगा, और कॉस ऑफ जीरो जो है कॉस ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन, तो टी आपके पास वन होगा, यानी अब आपकी लोअर लिमिट वन हो जाएगी जब एक्स इज इक्वल टू जीरो है। यहां पे मैं कर लेती हूं, अगर इफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू यानी अपर लिमिट है, तो अब आपने टी में इसमें कॉस ऑफ एक्स की जगह हमने पाई बाय टू लिखना है, टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाय टू, और कॉस पाई बाय टू किसके इक्वल होता है, ये जीरो के इक्वल होता है, तो अपर लिमिट हमारी जीरो हो गई। क्या हो गया हमारे पास, अब हम कैसे लिख सकते हैं इसको, अब हम इसको लिख सकते हैं जीरो टू पाई बाय टू, ये जो हमारा क्वेश्चन था पाई बाय टू साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस एक्स इंटू टू प्लस कॉस एक्स, कैसे हम लिखेंगे इसको, अब लिमिट क्या हो गई, देखें जब जीरो था ये जीरो था लिमिट हमारी, तो टी वन हो गया, हमारी लोअर लिमिट वन हो गई और अपर लिमिट हमारी जीरो हो गई, क्योंकि पाई बाय टू कॉस पाई बाय टू जीरो के इक्वल है। साइन एक्स डी एक्स यहां मैंने आपको बताया कि माइनस डी टी के है जो हमने सपोज किया था, फिर उसका डेरिवेटिव लिया तो माइनस डी टी, और यहाँ पे क्या है वन प्लस कॉस एक्स, कॉस को हमने सपोज किया था ये टी है, तो ये हो जाएगा वन प्लस टी इंटू टू प्लस टी। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, लेकिन देखिये यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता देती हूँ, जब हम लिमिट के क्वेश्चंस करते हैं तो हमेशा ये लोअर लिमिट है ये अपर लिमिट है, और लोअर लिमिट जो है वो हमेशा, देखिए नाम ही है लोअर लिमिट, वो लो होती है कंपेयर टू अपर लिमिट, लेकिन यहाँ हमारे पास उल्टा हो गया कि हमारी अपर लिमिट जीरो है और लोअर लिमिट वन है, तो हमने इसको यहाँ चेंज करना होगा, और ये थ्योरम कैसे है, कैसे चेंज होगी, जब हम इसको चेंज करेंगे यानी जीरो को हम लोअर लिमिट बनाएंगे और वन को अपर लिमिट बनाएंगे, तो हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं आपको यहां कर देती हूं ताकि आपके, देखें कैसे हो जाएगा ये हो जाएगा एक माइनस, तो ये है मैं इसको बाहर ले लेती हूं, और एक माइनस थ्योरम का है, दो आपके पास माइनस हो जाएंगे, ये दो माइनस हो गए आपके पास, अब हमारी लिमिट जीरो टू वन हो गई। क्यों मैंने ऐसे किया, क्योंकि हमेशा लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट है ये हमेशा छोटी होती है, अपर लिमिट बड़ी होती है, इसलिए अगर इसको चेंज करना हो जब भी, तो हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा डी टी और वन प्लस टी इंटू टू प्लस टी। राइट, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये अब साइन खत्म हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगले, अब मैं आपको बताती हूँ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जीरो टू वन डी टी वन डिवाइडेड बाय वन प्लस टी इंटू टू प्लस टी। अब देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास वन प्लस टी इंटू टू प्लस टी है, इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है, और जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं, तो उसके लिए कैसे होगा पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, कि ये जो हमारे पास है डी टी, ये हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये हो जाएगा ए ओवर वन प्लस टी, या मैं ऐसा करती हूँ एक स्टेप में और कर लेती हूँ ताकि कोई आपको प्रॉब्लम ना हो कि ये कैसे हो गया, इसको मैं लिख सकती हूं
इसको हम लिखते हैं वन वन प्लस टी, देखें इंटू टू प्लस टी, इसका हमने एलसीएम कैसे लेंगे हम यहाँ पे, ये हो जाएगा ए और वन प्लस टी, पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सरसाइज हमने पहले भी की हुई है इस तरह के क्वेश्चन, टू प्लस टी। तो इसको मैं कह देती हूँ कि ये हमारी इक्वेशन ए कह ले, मैं इसको वन कह देती हूँ, चले ये वन हो गई। अब क्या है, ये तो हमारे पास सेम होगा, वन प्लस टी इंटू टू प्लस टी, यहां हम इसका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम हमारे पास आ जाएगा वन प्लस टी इंटू टू प्लस टी। तो देखें ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, तो ए के साथ क्या हो गया, टू प्लस टी ए इंटू टू प्लस टी प्लस बी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और वन प्लस टी। तो देखें ये आपस में कैंसिल हो गया, तो वन इज इक्वल टू ए इंटू टू प्लस टी प्लस बी वन प्लस टी, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन टू। अब हम इसमें से इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे t की, पहले हम t प्लस टू या टू प्लस टी को हम फर्ज करेंगे कि ये जीरो है, फिर हम इसको जीरो फर्ज कर लेंगे। सपोज हम यहां पुट करते हैं, मैं कहती हूं कि पुट t प्लस टू कर लें या टू प्लस टी, कुछ भी हम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू जीरो, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि t इज इक्वल टू माइनस टू, राइट। इस इक्वेशन में, इक्वेशन टू में, अब हम जहां जहां t होगा वहां हमने माइनस टू पुट करना है, तो ये कैसे हो जाएगा, माइनस टू पुट करने से वन इक्वल टू ए, जहां भी आपके पास t होगा वहां हमने टू पुट करना है, प्लस बी वन माइनस टू, तो ये हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और ये आपके पास माइनस बी इज इक्वल टू वन, और हम कह सकते हैं कि बी इज इक्वल टू माइनस वन, ये बी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखें यहां पे मैंने क्या किया था, 2 प्लस टी या t प्लस टू दोनों सेम है क्योंकि प्लस का निशान है, तो इसको जीरो पुट किया था, अब हम 1 प्लस टी को जीरो पुट कर देंगे। अब हम करेंगे नाउ पुट 1 प्लस टी इज इक्वल टू जीरो, तो t इज इक्वल टू माइनस वन। इसी इक्वेशन में, इक्वेशन टू में, जहां जहां t होगा अब हमने वहां माइनस वन पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन पुट करने से वन इक्वल टू ए माइनस वन प्लस टू प्लस बी वन माइनस वन। अब देखें ये जीरो हो गया और ए हमारे पास पॉजिटिव रहा, देखें एक स्टेप मैं स्किप कर रही हूँ, बहुत इजी कैलकुलेशन है, वन माइनस वन, तो ये ए और हम लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू वन, तो ए इज इक्वल टू वन हो गया और बी इज इक्वल टू माइनस वन हो गया। अब ये वैल्यूज हमने किस में पुट करनी है, अब हमने ये वैल्यूज इक्वेशन वन में, ए की जगह वन बी की जगह माइनस वन लिखेंगे, तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखें बल्कि यहां मैं आपको एक दफा ये लिख देती हूँ, जीरो टू वन जो हमारी लिमिट है डी टी वन प्लस टी इंटू टू प्लस टी इक्वल टू कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा वन, ए की जगह वन लिखा, वन प्लस टी इंटू डी टी माइनस, क्योंकि बी की वैल्यू माइनस है, टी प्लस टू कर दें या टू प्लस टी कर दें, दोनों सेम है। अब हम इसकी अलग अलग, इसकी इंटीग्रेशन हमने करनी है क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये है जीरो टू वन, वन वन प्लस टी इंटू डी टी माइनस इंटीग्रल ऑफ जीरो टू वन, वन प्लस टी प्लस टू इंटू डी टी। बहुत क्वेश्चन सिंपल हो गया, ये फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये कैसे हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस टी, लिमिट है इसकी जीरो टू वन, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ टी प्लस टू और लिमिट है जीरो टू वन। अब हम लिमिट पुट करते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस वन माइनस नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस जीरो, ये इस पोर्शन का हो गया, इसको मैं सेपरेट कर लेती हूँ, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ लोअर लिमिट जीरो, सॉरी इसमें भी हमने पहले अपर लगानी है, वन प्लस टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ
जीरो प्लस टू, ये ऐसे हो गया राइट. अब हम इसको यहां कर लेते हैं, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ टू और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ वन. चले मैं कर देती हूँ, और नेचुरल लॉग ऑफ वन आपके पास जीरो के इक्वल होता है. मैं नेक्स्ट स्टेप में बता दूंगी, ये जीरो हो जाएगा. माइनस नेचुरल लॉग ऑफ थ्री माइनस नेचुरल लॉग ऑफ टू. देखें ये तो जीरो हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ टू यहां रह जाएगा, और माइनस यहां पे भी माइनस है, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ थ्री ओवर टू हो जाएगा. ये भी मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है, तो ये कैसे हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ थ्री ओवर टू. अब ये फिर बीच में माइनस का साइन आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ टू डिवाइडेड बाय थ्री ओवर टू. और ये जब क्रॉस हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ फोर ओवर थ्री. और यही इसका आंसर है. थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, आपने इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है. साथ में साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए. कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और बहुत शुक्रिया.